सब्सक्राइब करें ज्ञान हिंदी में चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए एंड्रॉयड से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स लाते रहूंगा। आज मैं आपको रेडमी नोट 5 प्रो एंड रेडमी नोट 5 प्लेन के विषय में बताने वाला हूँ कि कैसे एक एक्सटेंशन के जरिए से आप इसको परचेज कर सकते हैं और महज कुछ ही सेकेंडों में। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कैसे आपको परचेज करना है। क्रोम में इस एक्सटेंशन को आपको ऐड करना पड़ेगा और आप आसानी से इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल तरीका है, चलिए सबसे पहले क्रोम में चलते हैं हम लोग। क्रोम में जाकर के यहाँ साइड में आपको एक्सटेंशन ऐड करने के लिए बारे में पता है, सॉरी यहाँ से एक आपको एक एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा। गेट मोड एक्सटेंशन पे चलेंगे और यहाँ से आपको एक एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है। इस एक्सटेंशन के ऐड करने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। इस एक्सटेंशन का नाम है बाई हटके। इसको सर्च कर लेना है और अपने एक्सटेंशन बार में इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद सेटिंग में चलेंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ फ्लैश सेल वाला एक ऑप्शन है, इसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आपको ख़रीदना है, हम लोग को रेडमी नोट 5 प्रो और रेडमी नोट 5 प्लेन ख़रीदना है, कौन सा वेरिएंट ख़रीदना है उसको यहाँ पे इनेबल कर देना है। जो भी वेरिएंट ख़रीदना है उसको इनेबल कर देना है, ध्यान रखिएगा। इनेबल करने के बाद देखिए, हम लोगों ने फ्लिपकार्ट में क्लिक किया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर फ्लिपकार्ट में आपने इनेबल किया है तो फ्लिपकार्ट में ही आपको जाना पड़ेगा। तो हम लोग चलेंगे डायरेक्ट फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट में जाने के बाद इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो भी आपका एड्रेस वगैरह है उसको फिलअप कर लेना है। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आपको बाय करना है, रेडमी नोट 5 प्रो इसको एंटर कर देना है। उसके बाद जो भी वेरिएंट आपको ख़रीदना है, चाहे वो गोल्ड कलर हो, ब्लैक कलर हो, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ट्रिक जो है आपका फ्लैश सेल के रोज़ ही ट्राई कीजिएगा। ये फ्लैश सेल के रोज़ बहुत ही अच्छा और अच्छे तरह से वर्क करेगा। तो अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि आपको कंटिन्यूसली इसको रिफ्रेश करते रहना है, रिफ्रेश करते रहना है, और लास्ट रिफ्रेश आपको जो है 11:59:59 पे करना है, क्योंकि 12 बजे इस प्रोडक्ट का फ्लैश सेल शुरू होने वाला है। 28 फरवरी को 12 बजे इसका फ्लैश सेल स्टार्ट होने वाला है। तो आपको लास्ट रिफ्रेश 11:59:59 पे करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको रिफ्रेश कीजिएगा, आपका प्रोडक्ट जो है ऐड टू कार्ट हो जाएगा। ऐड टू कार्ट जैसे ही होगा, उसका 15 मिनट के अंदर में आपको जिस भी मेथड में आप पेमेंट करना चाहते हैं, उस मेथड से पेमेंट करके आप अपने प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। बस सिंपल सा आपको एक एक्सटेंशन को ऐड करना है और उसको इनेबल करना है कि फ्लैश सेल में जाकर के उसको इनेबल करना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको बाय करना है। उसके बाद उस साइट में जाकर के फ्लैश सेल के रोज़ आपको ये प्रोसेस पूरा करना है और आसानी से महज कुछ ही समय में आप आसानी से प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही था दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि क्या आपने इस ट्रिक को यूज करके क्या सही में आपने प्रोडक्ट को बाय कर पाया। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। प्लीज़ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।